वनस्पति अंकुरित होती है, बड़ी होती है, यौवनमय होकर खिलती है और अपने बीज बनाकर खत्म हो जाती है। गढ़वाल कुमाऊं के पर्वतीय घास के मैदानों को क्षेत्रीय भाषा में बुग्याल कहा जाता है। ये बुग्याल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, फूलों की विविधता और औषधीय जड़ी बूटी के अनुपम भंडार होने से विश्व प्रसिद्ध है। इन बुग्यालों में हिमालय पार के जनमानस अपने पशुओं को चराकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पशुओं के लिए ये पर्वतीय बुग्याल चरागाह का काम करते हैं। उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है। ये स्थान दिल्ली से 595 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की ऊंचाई 3200 मीटर से 6675 मीटर तक है। ऊंचाई की इस विविधता के होते हुए भी यहाँ के भूदृश्य और सूक्ष्म प्राकृतिक वास्तव में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। घाटी के मुख्य क्षेत्र का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में पुष्पावती नदी के साथ में है। मुख्य घाटी 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पुष्पावती नदी का मुख्य स्रोत ब्यूडार खाल के निकट टिपरा ग्लेशियर है। ये नदी फूलों की घाटी से गुजरती हुई गंगारिया में लक्ष्मण गंगा से मिलती है और वहीं पर ब्यूडार नदी का रूप लेती है। ब्यूडार नदी फिर 12 किलोमीटर नीचे तक बह गंगा की सहायक नदी अलकनंदा में समाहित होती है। गोविंद घाट से फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा आरंभ होती है। ऋषिकेश से गोविंद घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से पहुंचा जा सकता है, जो बद्रीनाथ की तरफ जाता है। गोविंद घाट से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है गांव पुलना। इस गांव में सरल जीवन जीने वाले ग्रामवासी रहते हैं। पुलना गांव वासियों का जीवन सरल होते हुए भी उत्साह से परिपूर्ण है और ये खुशनुमा माहौल में जीते हैं। सही शब्दों में ब्यूडार घाटी को संरक्षित रखने वाले यही ग्रामवासी हैं।